फ्रेंड्स, मानिए मैं रमन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, और स्टॉक के बारे में भी हमने पहले बात की है जो 600 के करीब या उससे नीचे स्टॉक चलता था, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे 52 वीक हायर लेवल्स के ऊपर चल रहा है, और नामचीन कंपनी है, काफ़ी इनके प्रोडक्ट जो है डिमांडिंग है और आने वाले समय में और अच्छा रिटर्न यहाँ से दे सकता है। तो किसी भी गिरावट में लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक लीजिएगा, और डिविडेंड अब 450% डिक्लेयर किया है कंपनी ने, तो उसी के बारे में बात करेंगे, रिकॉर्ड डेट क्या है, ताकि अगर आपके पास है या लेना चाहते हैं तो आप भी एलिजिबल हो सको। तो ये अगर आप देखेंगे हैवेल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, और इसकी अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो 784 के ऊपर क्लोजिंग थी, और हाई इसका 52 वीक का 797 जो कि लेटेस्ट है, और लो 520। तो काफ़ी लोगों ने लिया भी है और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल भी रहा, और काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया है। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 49,000 करोड़ की कंपनी है, 1 रुपये का फेस वैल्यू है, और कंपनी ने 450% का अब डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो अगर आपको अब भी लेना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा अगर नीचे के लेवल में मिलता है तो बेहतर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया स्टॉक में रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, मार्केट ग्रो कर रहा है, तो आने वाले समय में ये आपको 1,000 रुपीज़ के भी ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज़ की डिमांड आगे जाके बढ़ने ही वाली है। इनके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे आते हैं कंपनीज़ के। तो इसका अगर आप मार्च क्वार्टर का नतीजा देखेंगे तो 2782 करोड़ का रहा टोटल इनकम, दिसंबर में 2551, और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 206 का नेट प्रॉफिट था, और उससे पहले के क्वार्टर में 195, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इसका मैं लेटर भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके। ये आप देख सकते हैं, ये BSE की साइट से निकाला है, आप भी इजीली निकाल सकते हैं, और डिविडेंड 4.5 रुपये का दिया है जो कि फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है 450%, और इसका जो रिकॉर्ड डेट रहने वाला है 26 जुलाई से लेके 26 जुलाई ये बुक क्लोजर डेट है, तो 20 तारीख के एक दो दिन पहले, मान लीजिए 18 तारीख को एक्स डेट हो सकती है, तो उससे पहले आपको लेने पड़ेंगे। मान लीजिए 15 तारीख को भी अगर आप लेते हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बोलना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके कब रिकॉर्ड डेट है। तो आज काफ़ी अच्छा स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, तो लॉन्गर टर्म के लिए स्टॉक को लीजिएगा। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।